हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पीयूष। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इंडिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि रेडमी MIUI 10 में जो अपडेट दिया है। आज शुक्रवार है, हम सभी जानते हैं कि रेडमी 10 ग्लोबल जो बेटा रोम जिस किसी ने भी अपडेट किया है उसी को मिलता है ये अपडेट। हर शुक्रवार को ये अपडेट मिलता है। तो हम आज ये दिखाने वाला है कि उस अपडेट में क्या क्या नया फीचर सबको देखने को मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स उसके मिलता है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा मेरा सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पर देखिए अबाउट फोन में MIUI 10 ग्लोबल ये जो है मेरा, आप देख सकते हो MIUI 10 8.9.20 जो है आज का अपडेट। तो ये फ्रेंड्स आज का अपडेट, ये अपडेट करने के बाद आपको क्या क्या मिला है इसके लिए आप अगर देखेंगे तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। देखिए पहले देखिए, पहले मैं ऊपर में देखिए जो 35% मेरा बैटरी चार्ज है वो बैटरी के दाहिने तरफ शो कर रहा है। लेकिन पहले ये खिंचा हुआ पिक्चर देखिए, ये पहले खिंचा हुआ पिक्चर मेरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, ठीक है पहले से। तो यहाँ पर देखिए जो 40% चार्ज जो शो कर रहा है वो बैटरी के बाएँ तरफ आ गए, ठीक है। यही चेंजेस हुआ है बेसिकली, और कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये एक चेंजेस हुआ है। और ये मेरा अपडेट करने से पहले खींचा हुआ स्क्रीनशॉट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो क्या MIUI 10 8.9.20 वीकली इतना MB लेगा मेरा 153। तो यहाँ पर क्या चेंजेस करने वाले वो लोग बता रहे हैं कि इम्प्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी और ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम परफॉर्मेंस, यही चेंज होगा, ठीक है। तो और जो MIUI 10 ग्लोबल जो बेटा जो अपडेट किया है, जिस किसी ने भी किए हो रेडमी यूज़र हो तो किए हो, तो ये जो पहले जो वाले जो ऑप्शन थे यहाँ पर, ठीक है, ये जो ऑप्शन थे, ये जो साउंड्स कम सकते हैं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और ये अलार्म्स वगैरह जो कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर था ये पहले से ही था, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस कुछ हुआ नहीं। और ऊपर में देखें हम तो यहाँ पर भी ये जो वाइट में आता है ये आइकॉन भी ऐसे ही था, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। अगर हम लॉक करते हैं तो एक आवाज़ देता है, हाँ तो ऐसे ही है। और यहाँ पर ये जो अगर हम स्लाइड किए तो यहाँ पर जो देखने को मिल जाता था तो यही मिल रहा है। और अगर एक बात नोटिस किए, अगर किए हो आप तो देख सकते हो मैंने नोटिस किया है ये वॉलपेपर है सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद, ये जो वॉलपेपर है यहाँ पर ये पहले नहीं था, ठीक है। ये जो है प्लांट ये था, ठीक है, ये भी था, लेकिन ये जो दोनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, एनिमल क्रिएटिव और कार्टून, ये ऑप्शन इसमें 8.13 में नहीं था, ठीक है। ये पहले बेटरोम के पहले था, लेकिन ये तीनों ऑप्शन आपको नहीं था। तो हम डेटा ऑन करेंगे तो देखेंगे ये वॉलपेपर, देखिए ये जो वॉलपेपर देखने को मिल जाता है ये पहले नहीं था, ठीक है, ये अब आ गया है अपडेट करने के बाद। और देखिए एक ऑप्शन हम आपको दिखा रहे हैं, पहले ये अगर हम किसी गैलरी को ओपन करें तो यहाँ पर देखिए नीचे 5 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो 5 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, डिलीट बटन, मोर बटन्स, ठीक है, एडिट बटन्स, ये 5 ऑप्शन, पहले 4 था, ठीक है, मतलब कि 4 ऑप्शन थे पहले, अभी 5 ऑप्शन आ गए। ऐसे ही कुछ चेंजेस नहीं किया ज़ोमी की तरफ से जो अपडेट दिया है, ऐसे ही चेंजेस ज़्यादा कुछ किए नहीं। वो जो लिख रहा है वो तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, और हाँ एक बात, जो अगर हम किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी को कॉल करते हैं, मान लीजिए जिसकी किसी ने भी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपने देखा कॉल तो कर दिया है, तो ये जो वाइट में आता है बैकग्राउंड में तो ये भी पहले था ऑप्शन और अब भी है, ठीक है। यहाँ पर जो हम देख रहे थे ये जो पहले, ये भी पहले थे, यहाँ पर भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा स्कैनिंग कर रहा है, ठीक है, ऑप्टिमाइज़ हो रहा है,
पहले भी ऐसे ही हो रहे थे। ठीक है, इसमें भी चेंजेस नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे ही हो रहे थे। अगर अभी क्लीनर क्लीन करे तो ऐसे नहीं जाता, लेकिन ऐसे पहले थे। बस चेंजेस क्या हुआ है, म्यू ट्वेंटी में चेंजेस हुआ है। वो बैटरी का जो ऑप्शन से परसेंटेज जो शो कर रहा है वो दाहिने तरफ फिर से चला गया है। और बेसिकली क्या क्या है, सेटिंग्स के अंदर हम जाए तो देखिए, यहाँ पर अबाउट फोन्स में ये बता रहा है, ये जो अपडेट्स हुआ है ग्लोबली, तो यहाँ पर देखिए व्हाट्स न्यू। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट्स न्यू म्यूट 8.9.20, मतलब कि इस वर्जन में आपको क्या क्या नया फीचर्स मिला है। तो वो लिख रहे हैं कि इम्प्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम जो स्टेबिलिटी है हमारा वो इम्प्रूव्ड हुआ है, और ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस जो है, हम जो ऑप्शन को इधर उधर के घाट रहे हैं, जो ऑप्शन है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो कुछ खास चेंजेस नहीं मिला है, जितना हद तक मुझे समझ में आया कि यही चेंजेस हुआ है तो मैंने वो दिखाया। अगर आप लोग रेडमी यूज़र हो तो आपने भी किए होंगे अभी तक ये अपडेट्स। तो अगर आपने ये अपडेट किए हो तो कौन सा वाला चीज़ नया मिला है आपको, देखने वो नया मिला है क्या, आपको चेंजेस मिला है म्यू 20 में, तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हो ताकि हमें भी पता चले। ठीक है, और जो मैं नहीं बताया वो आप लोग चेक करके देखिए कि आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो वो आप बता सकते हो मुझे, तभी मुझे पता चल सकता है। तो फ्रेंड्स, इतना वक्त देने के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।